नालंदा के हिलसा में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मुहर्रम एवं ताजिया जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया गया। पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर मुसलमानों ने यह फैसला लिया है। समुदाय के लोगों का कहना है कि ताजिया जुलूस के दौरान शहर के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सांप्रदायिक अफवाह फैलाने की साजिश रची गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा दोनों समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया था। जो लोग विदेश में थे उनको भी झूठे मुकदमे में फंसाकर परेशान किया गया। वहीं समुदाय के लोगों का कहना है कि वे मुहर्रम के दिन काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। मोहल्ले में रहेंगे, हम रोड पर नहीं जाएंगे, सरकार के विरुद्ध नारा नहीं लगाएंगे, मगर सरकार के विरुद्ध हम हैं। चूंकि क्या सिपल ताजिया बनेगा सर? नहीं बनेगा, नहीं। हम सिर्फ जो है फातिहा होगा, लड़का लोग अपना नगाड़ा बजावेगा, ढोल बजावेगा, मोहल्ले में घूमेगा फिरेगा रहेगा, रोड पर जैसे जाते हैं वो हम लोग नहीं। प्रशासन द्वारा कुछ इस तरह का कुछ प्रशासन तो अभी तक कोई पहल नहीं किया। अगर प्रशासन पहल करेगी, सही बात हमको देगा कि हमारे समझ से सम लगेगा कि हाँ सही बात है, तो फिर हम लोग कमेटी वाले यहाँ के जो लोग लोकल हैं उस पर गौर खोज करेंगे, तब उसके बैठक के बाद कोई निर्णय लिया जा सकता है। लोगों की जिला सत्ता की मीटिंग थी बिहार शरीफ में 3 तारीख को। उस वक्त हम लोगों का मालूम हुआ कि हिलसा के लोग मुहर्रम नहीं मना रहे हैं, तो हम लोग खास करके इन लोगों से रब्ता कायम किया जी। तो इन लोगों कहा कि हम लोग नहीं मना रहे। कारण क्या है कि 2018 में यहाँ कुछ उपद्रवियों द्वारा डेरा ढुकुर किया गया, जिसमें हमारे जो बच्चे जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं या जो हलाल कमाई के लिए अपना शहर गांव देश छोड़ करके दूसरी जगह हैं, उन लोगों का नाम डाल दिया गया। इसे परेशानी यह हो गया, उसे पूरा घर परेशान हो गया, उसको बाहर से आकर के हिंदुस्तान आकर बेल कराना पड़ गया। इसको लेकर के ये लोग काफ़ी गुस्से में हैं और सरकार के गलत रवैये से काफ़ी रंजिश है इन लोगों को, जो वाजिब बात है। और इस बात की हम लोग भी संपुष्टि करते हैं कि इस तरह का अगर का हरकत होता है, खास करके सरकार की तरफ से, जो काफ़ी अशोभनीय है और